सुशीला परमानिया जी का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमको इतने अच्छे से सारे कार्यक्रम नेत्रदान देहदान ब्रेन डेड सारे बारे में इतने अच्छे से समझाया। अब हमारे ऊपर है कि हम कितना फॉलो करके उनको प्रूव कर पाते हैं। अब मैं आगे हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती प्रेमा जी बंसारी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो अपना उद्बोधन दें और हमारा मार्गदर्शन करें। हमारे लिए महिला समिति अखिल भारतीय महिला समिति मतलब प्रेमा आंटी ही है। धन्यवाद दीजा और सभी बहनों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद क्योंकि यहाँ जितने भी हैं सबसे मैं बहुत बड़ी हूँ और आप लोगों ने मेरे को तो ऐसे बहुत सुना होगा इससे ज़्यादा क्या सुना हो आपको फिर भी उद्बोधन के लिए कहा है। एक जो अभी अंगदान और नेत्रदान की बात हो रही थी उस पर एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। अब मेरी मौसी सास हैं नागपुर में, उनके हस्बैंड का लीवर एकदम खराब हो गया था, डॉक्टर बोला बस 2 महीने का समय है। वो लेके उनको गई थी वहाँ नागपुर से दिल्ली गई थी, बोली अगर देखूंगी अगर कोई मिल गया तो ठीक है तो मेरा आधा लीवर दे दूंगी। जब एकदम 5-6 दिन बचे डॉक्टर बोला सिर्फ 5-6 दिन अब आपके पास है तो पूरे प्रिपेयर भी नहीं मेरे को देना ही है। उतने में एक्सीडेंटल केस आया, सिर्फ 1 साल शादी को हुए। अपने लोगों में मोस्टली क्या है कि लास्ट मोमेंट तक मुझे भी शायद कोई करिश्मा हो जाए, शायद भगवान कुछ ऐसा कर दे कि बच जाए, मैंने उतनी बड़ी हिम्मत करना है। 1 साल शादी को हुए थे, मैंने ऐसे पूरा पहनू पंजाबी लेती थी, तब वो जब उसके हस्बैंड को लेके आए एक्सीडेंट में, उसने पूछा डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब क्या उम्मीद है, बोले नहीं कोई उम्मीद नहीं है, 10-5 मिनट बस इतना ही समय है इनके पास। तब वो बोले मेरा तो सुहाग जा रहा कम से कम इनका बचा लीजिए लीवर के। और तुरंत माने मौसी जी बोलती है कि मतलब मैं देखती रह गई 1 साल शादी को हुए हैं और इतनी हिम्मत करी उस लड़की ने, कहीं घूमने गए थे वो लोग और तुरंत उनका लीवर उसको दे दिया गया। बाकी भी जो अलग उसको देना और दिए होंगे और ये चीज माने नॉलेज में है मेरे कि ऐसा भी कर सकती हैं अगर कोई हिम्मत कर ले।